थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके, दुनिया ने क्या किया, कुछ भी नहीं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर। कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेड स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहाँ भी चले जाते हैं। हमारे पास है क्या और आप ये बताएं, कलमे के अलावा हमारे पास क्या है? किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी लाओ हमारे पैसे वापस, ये कहेंगे सर ये सब छोड़ो पैसे वैसे हैं, आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पूरा ग्वादर आप ले लो। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, अच्छा। तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके, आपको नहीं लगता? कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही होगी। आज इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अगली सरकार BJP की आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। को पता है कि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का समय है, 4 तारीख को जो है इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं हालिया नरेंद्र मोदी उनकी ही हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो CM हैं इंडिया के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर BJP की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयान देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और खुद ब खुद जो है आज़ाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd tenure होगा ये। तो उससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके, दुनिया ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेड स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के जो हालात थे, वहाँ के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे, 5 से 6 दिन जिस तरह वहाँ पे झड़पें हुई कश्मीरियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था, इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे जो हमने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं, वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनकी हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को।
कश्मीर का जैसे 10 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ और जिसके बाद आपने देखा कि वॉयलेंस हुई, आर्मी रेंजर बहुत सी कश्मीरियों की शहादतें हुई, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके जो दो उनके जो क्या उसको बोलते हैं डिमांड थी उसको भी माना, लेकिन आज जो है उस तमाम स्ट्राइक का जो जवाब है वो इंडिया से आया है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नाम और उत्तर प्रदेश उतना ही है जितना कि हमारा टोटल पाकिस्तान, पॉपुलेशन भी इक्वली है 25 करोड़ लगभग उधर है और लगभग 225 करोड़ इधर भी है। उन्होंने अपनी सियासी कंपेन्स के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है जिसको इंडिया जो है POK पाकिस्तान ओकोपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और इंडिया का पब्लिकली इतना ओपनली बार बार पाकिस्तान को चैलेंज करना, क्या वाकई इंडिया ने कोई प्लान ए प्लान बी तैयार कर लिया है या फिर ये हवाई बातें हैं वोटिंग के लिए, ये क्या है जो भी है, लेकिन या फिर हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही हो। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स? योगी साहब जिस पोजीशन पे हैं वो इट्सल्फ बहुत बड़ी पोजीशन है और ख़ासतौर पे वो जिस स्टेट को मतलब प्रोविंस को वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मतलब इसका इंपैक्ट ज़्यादा है। एक छोटे मोटे बंदे से स्टेटमेंट होना इट दैट्स नॉट अ बिग डील, एक बहुत बड़े CM एक बहुत बड़ी स्टेट के CM से ये स्टेटमेंट आना बड़ी बात है। लेकिन इसके अंदर ना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेट वे 2-3 पैगाम हैं, वैसे दुनिया को भी जा रहे हैं पर इसमें दुनिया का कॉन्टेक्स्ट इतना मैटर नहीं करता। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जब आप दो कंट्री के दरमियान स्टेटमेंट पास होती हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करती होती है। लाइक मैंने पहले एक दफ़ा जस्टिन ट्रूडो का जिक्र किया था रिलेटेड टू सिख किलिंग कि अगर वो उस टाइम गाजा वार के दौरान ये मैटर ना छेड़ते तो शायद वो इसमें कुछ हद तक फाते भी हो जाते, लेकिन क्योंकि उस टाइम इंडिया अलाय था तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। इस टाइम पे अब हो क्या रहा है, इस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा है रिसेंटली कश्मीर के अंदर, क्योंकि जैसे सानिया हमारे यहाँ मनाए जाते हैं 9 मई एंड लाइक वाइज अदर इवेंट्स, तो इस बार ये मई बहुत ज़्यादा सानिया वाला हमारे लिए रहा है कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट। अब देखें इनकी स्टेटमेंट सपोर्ट कैसे होती है, स्पोर्ट इस तरह होती है कि एक लम्हे के लिए तो यहाँ पाकिस्तानियों को भी एक गेस्चर गया गेस्चर जा चुका था कि कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा, क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, काफ़ी कैजुअल्टीज़ पेश आई और फिर हमारी आर्मी या रेंजर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियां गई और रेंजर्स की गाड़ियां भी जलाई गई, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई, वो बिल्कुल हो गई और गली गली मले मले मतलब कोई बंदा भी अपने घर तक नहीं जा रहा था। तो फॉर अ मोमेंट तो ये एक मतलब गेस्चर जा रहा था और एक लम्हे के लिए कुछ लोगों के ऐसे मतलब ओपिनियंस भी थे कि अगर नेबर कंट्री से हेल्प मांग ली जाती है या अल्लाह माफी ऐसी कोई मतलब चीज़ वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो मामला किस तरफ जाएगा। हाउएवर आई थिंक मामले को फिलहाल तो सुलझा लिया गया है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं जिस वजह से वहाँ से CM की तरफ से ये स्टेटमेंट पेश आई है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात ना होते तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना आती। ये स्टेटमेंट आने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अगर कश्मीर के अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट स्टार्ट की जाए तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरफ है, क्या वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहेंगे या उनका उस तरफ भी इंडियन ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव है। अब वो तो साफ नज़र आ चुका हुआ है, इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है, वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की वो कश्मीर के अंदर लूज़ हो चुकी है। और अगर आवाम वहाँ पे खड़े होकर ये वाला स्टांस बनवा सकती है, अगर वो किसी और ओपिनियन को भी लेके आते हैं तो शायद फिर वो भी मनवा जाएंगे वो।